डिफरेंसेस एस फॉर हाना और एसएपी ईसीसी ईसीसी ठीक है। चलो डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो पहला डिफरेंसेस होता है कि ये होता है क्लाउड प्रेमिसेस, क्लाउड ऑन प्रमाइज ठीक है। क्लाउड ऑन प्रमाइज की अगर हम बात करें तो एस फॉर हाना कैन बी आइदर क्लाउड ऑन अ प्रमाइज। क्लाउड ऑन प्रमाइज का क्या मतलब होता है आप जानते हो? आइदर ऑन द क्लाउड और ऑन प्रमाइज ठीक है। एस फॉर हाना में एक नया फीचर्स है वो होता है फ्यूरी ठीक है। फ्यूरी के बारे में आप जानते होंगे तो फ्यूरी क्या होता है उसे क्या होता है फ्यूरी हो गया या फिर एस फॉर हाना हो गया हम एक तरह से कहा जाए तो हम इसको वेब पोर्टल की तरफ भी यूज कर सकते हैं ठीक है। वेब जो होता है आप गूगल में क्रूम में डाल करके HTTP करके करके जो वेब ब्राउजर होता है वेब ब्राउजर के थ्रू भी हम उसमें कर सकते हैं। क्लाउड में क्या होता है कि आपका इसमें एक्सपेंसेस कम आता है, क्लाउड में क्या होता है एरर कम होता है, क्लाउड में ये होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी क्योंकि जो क्लाउड जिसके पास होगा वही संभालेंगे ठीक है। क्लाउड में ये होता है कि फास्ट चलता है ठीक है। ऑन प्राइमिसेस की बात करें तो प्राइमिसेस का मतलब जो हम जो GUI यूज कर रहे हैं ठीक है या एक अपना सर्वर सेटअप करना, वन काइंड ऑफ सेटअप ऑफ योर सर्वर। जब सर्वर से अपना खुद का जब आप सर्वर सेट करोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको ये कॉस्टली भी पड़ता है ठीक है, आपके वर्कलोड भी ज्यादा पड़ेगा, कुछ अगर इशू आ जाता है तो आप ही को सॉल्व करना होगा ठीक है। कॉस्टली तो खैर पड़ता ही पड़ता है ठीक है, कॉस्टली भी है, जगह भी लेता है ठीक है, वर्कलोड भी ज्यादा होता है ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें। तो एस फॉर हाना जो है ये अदर मतलब कैन बी अदर द क्लाउड ऑन द प्राइमिसेस, क्लाउड पे भी हम यूज कर सकते हैं और या तो फिर प्राइमिसेस पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर जो हमारे में ECC में नहीं है ठीक है, वहां पे केवल प्राइमिसेस ही है ठीक है, तो क्लाउड का ऑप्शन नहीं है। एस फॉर हाना जो है चलते फिरते हम कहीं से भी बाय ट्रैवलिंग में हो या फिर कहीं पे भी हो अगर हमें एक्सेस दिया है कंपनी ने तो हम क्या कर सकते हैं उसको हम अपने मोबाइल से लैपटॉप से या फिर कहीं से भी हम वेब ब्राउजर के थ्रू भी हम डेटा चेक कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं ठीक है। डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस क्या होता है, एस फॉर हाना जो होता है ओनली हाना डेटाबेस रीड करता है ठीक है। यहाँ पे क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है ये मल्टीपल ठीक है मल्टीपल डेटाबेस रन कर सकता है। ECC कैन मल्टीपल रन कौन कौन से जैसे कि सपोज जैसे एक एग्जांपल ले लो आप ओरेकल हो गया DB2 बहुत सारे हैं ठीक है। तो हाना डेटाबेस क्या होगा एस फॉर हाना क्या करता है वो केवल जो करेगा वो ओनली हाना डेटाबेस रन करेगा, यहाँ पे केवल हाना डेटाबेस ही रीड करता है। और ECC क्या करता है कि ECC जो है वो कई मल्टीपल जो है कि मल्टीपल लैंग्वेज या मल्टीपल डेटाबेस को रन कर सकता है वहां पे कोई नहीं। फ्यूरी फ्यूरी एक वन काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस है जो कि एक ठीक है एक नया मतलब यूजर इंटरफेस है जिससे हम चलते फिरते वेब ब्राउजर के थ्रू या फिर ऑन अ क्लाउड बेसिस पे हम इसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। फ्यूरी को यूज करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ टाइल्स होते हैं वो क्रिएट करना होता है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन होता है एस फॉर हाना में एक नया है वो क्या है SAP फ्यूरी एप्स आर अवेलेबल ठीक है फॉर अ प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें फ्यूरी इज अवेलेबल यहाँ पे नो Not available या फिर वो ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूरी हमें मिला है, यहाँ पे एस फॉर हाना में क्या मिलता है हमें फ्यूरी मिलता है जो एक नया फीचर है ठीक है। उस नए फीचर के होने के वजह से क्या होता है कि काफी कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, काफी कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं ठीक है। एस फॉर हाना में जो भी डेटा फेज होता है वो कॉलम बेस में होता है ठीक है, कॉलम बेस में होता है ठीक है, यानी डेटा विल स्टोर ऑन कॉलम बेस ठीक है ऑन
कॉलम बेस्ड, ठीक है। यहाँ जो भी डेटा होगा वो क्या होगा कि स्टोर कॉलम बेस में डेटा स्टोर होता है। जब हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना उसपे, क्या नाम है उसमें, अरे सर्वर पे जब अभी हम करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये कॉलम बेस में करता है, क्या होता है, ठीक है, वहां पे दिखा दूंगा अभी तो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ कैसे क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको ये दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉलम बेस ना होकर के रो बेस होता है, रो बेस होता थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ईसीसी में क्या होता है हाँ कि ये ईसीपी में क्या होता है, रो इसे कहते हैं जो इस तरह से लेटी हुई है, कॉलम होता है जो इस तरीके से होता है। तो S/4HANA में जो भी डेटाबेस सेव होता है वो कॉलम बेस में होता है, और ये ईसीसी में ये होता है, ठीक है। ठीक है। S/4HANA में एक नया फीचर है, S/4HANA में देयर वाज अ सो मेनी इंडेक्स टेबल, ठीक है, हिस्टोरिकल टेबल, और फिर बहुत तरह के जो टेबल्स थे सबके सब मर्ज हो चुके हैं, सबके सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एक हाँ, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे हाँ समरी टेबल, ठीक है, फॉर समरी टेबल हो गया, इंडेक्स टेबल, समरी टेबल, इंडेक्स टेबल और हिस्टोरिकल टेबल, टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नो समरी टेबल, नो समरी टेबल, इंडेक्स टेबल, सारे के सारे हमारा जो हो गया वो खत्म हो चुका है। अब वो सारे के सारे खत्म हो करके, ठीक है ना, और ना ही जैसे नो समरी टेबल, नो इंडेक्स टेबल, हिस्टोरिकल टेबल भी खत्म हो चुका है, ठीक है। लाइन आइटम टेबल आर यूज, ठीक है, ओनली जो है क्या होता है, लाइन आइटम टेबल आर यूज्ड। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि पहले जो है कि बहुत सारे टेबल आते थे फैगल फ्लैक्स करके, ठीक है, हाँ याद है, फैगल फ्लैक्स हो गया, इस तरह से बहुत सारे टेबल थे, तो वो सारे के सारे टेबल अब इसमें सारे खत्म हो चुके हैं, केवल जो लाइन आइटम टेबल यूज होता है, ठीक है। टेबल हाँ, बीसेक, नहीं बीसेक तो एक अलग चीज हो गया, बीसेक तो वो ट्रांजेक्शन टेबल है, सारे नहीं हुए हैं, लेकिन मतलब जैसे कि वो हो गया समरी टेबल हो गया, ये सब चीजें जो है कि थोड़ा से मर्ज हो चुके हैं एक में, ठीक है। इसमें क्या था, यूज ऑल टेबल, ठीक है, इसमें था क्या कि इसमें आज पहले भी था और अभी भी है, ठीक है, ईसीसी में हर तरह के टेबल्स हैं, अभी भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक टेबल आपने नाम सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा, ACDOCA, एसीडोका, ठीक है। इसमें क्या है, एक सेकेंड, यूज ACDOCA, यूज ACDOCA टेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, S/4HANA में अब ACDOCA टेबल होता है, ये ACDOCA टेबल क्या है, वन काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल टेबल है, यूनिवर्सल टेबल है, या फिर यूनिवर्सल जनरल कह सकते हैं। जब मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा, यहाँ से क्या होगा कि सारे के सारे, जैसे कि बहुत सारे ट्रांजेक्शनल डेटा होते हैं, जैसे कि AR से रिलेटेड, अकाउंट रिसीवेबल हो, AP हो, ठीक है, एसेट्स मैनेजमेंट हो, ठीक है, फिर AM हो, या फिर CO हो, कोपा हो, सारा का सारा जो है कि मर्ज हो करके हम एक टेबल ACDOCA टेबल में हम यहाँ देख सकते हैं। दैट्स वाई इट्स यूजिंग अ दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ यूनिवर्सल जर्नल, ठीक है। किसी भी ठीक तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मॉड्यूल हो, सारे के सारे हम टेबल मर्ज हो चुके हैं, मर्ज हो करके किस में आ गए हैं, ACDOCA में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं फिर अभी एक बात कहूंगा कि अब लोग क्या सोचते हैं कि ACDOCA टेबल आ गया है, यानी पिछले टेबल सारे के सारे खत्म हो गए, इधर मतलब इधर मास्टर डेटा हो या फिर ट्रांजेक्शन डेटा हो, सारे के सारे टेबल खत्म हो चुके हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टिल स्टिल मास्टर डेटा आर सेम, ठीक है, मास्टर डेटा आर नॉट नॉट टच इन S/4HANA, ठीक है। मास्टर डेटा जैसे कि पहले थे, आज भी वैसे के ही वैसे हैं, ठीक है, अभी भी वो अनटच्ड हैं, ठीक है, केवल जो है ट्रांजेक्शनल डेटा ही टच हुए हैं, ट्रांजेक्शनल डेटा ही मर्ज हो करके ACDOCA में आ गए हैं, क्लियर है। ठीक है। यूज ऑल ओल्ड टेबल, ठीक है। ECC में क्या है, आज भी पुराने वाले डेटा टेबल यूज हो रहे हैं,
ठीक है, तो एसी डोका क्या है? एसी डोका एक टेबल है जिसमें सारे के सारे जितने मतलब जो मास्टर ट्रांजैक्शनल टेबल जो थे सब मर्ज होकर के एक में हो गए हैं, ठीक है। और क्या है कि फिर भी अगर हम उनकी बात करें, मास्टर डेटा की बात करें, तो मास्टर डेटा नॉट टच, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि एसी डोका जो है कौन से मतलब किसके लिए अलाउ, मतलब किसके लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि एसी डोका टेबल आर यूज फॉर अ ट्रांजेक्शनल टेबल, ठीक है। बट स्टिल अगर कोई पूछता भी है कि एस फॉर हाना और ECC में डिफरेंट बताओ, तो आप वहां पे ये बताओगे कि एसी डोका टेबल आर यूज फॉर अ ट्रांजेक्शनल टेबल ओनली, मास्टर डेटा इज स्टिल ऑन द सेम। जब आप ये बताओगे तो क्या होगा कि एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ नॉलेज है, ठीक। ठीक है। MATDOC, इसके बारे में सुना है आपने? नहीं क्या होता है कि MATDOC, ये भी एक टेबल है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है ये, ठीक है। जब मटेरियल हम इन्वेंटरी, यस डॉक्यूमेंट्स है। इन्वेंटरी या फिर मटेरियल डॉक्यूमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। इन्वेंटरी में भी मटेरियल ही, मतलब बात वही हुआ, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट कह लो या फिर इन्वेंटरी कह लो, ठीक है। रिड्यूस 26 टेबल, अप्रोक्स 26 टेबल इन वन टेबल, कौन सा है वो? वो है MATDOC, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले क्या था, ECC में जितने भी मटेरियल मैनेजमेंट के बहुत सारे टेबल हुआ करते थे, उसमें से 26 टेबल ऐसे हैं, 26 टेबल ऐसे हैं कि सबको मर्ज करके क्या है कि एक टेबल बना दिया गया है, वो है MATDOC, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब हम इसमें मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल कर रहे हैं ये ML, ठीक है। मटेरियल लेजर जब हम इसमें पढ़ेंगे, एक अलग ही कॉम्पोनेंट है, एक अलग ही चैप्टर है यहाँ पे, हम उसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या है कि ये एक मतलब इसको हम अप्लाई भी करेंगे वहाँ पे, हाँ मटेरियल लेजर जब अपना पढ़ेंगे तब, ठीक है। आप इसमें देखोगे यहाँ पे होगा मटेरियल लेजर एक जगह पे, ये रहा, ठीक है। ठीक मटेरियल लेजर जब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी बात आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो पहले की तरह है, ठीक है, नॉट मैंडेटरी है या फिर पहले की तरह है कह सकते हो आप, ठीक है। टेबल कहाँ गया? और कोई नहीं, और टेबल बना लेते हैं। ऊपर आ रहा है ना ड्रॉ टेबल का वाला। वो ड्रॉ टेबल भी है, क्या है ना कि थोड़ा सा इसका मेरा प्रैक्टिस छूट गया है, एक्सेल का हमें काम कहाँ पड़ता है, अच्छा है सब कुछ लेकिन जल्दी काम नहीं पड़ता है, पता सब है लेकिन अब काम नहीं पड़ता ना, तो माइंड उतना वो नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नॉट रिक्वायर कह सकते हो आप, अच्छा ECC में पहले की तरह है, अभी भी कोई नॉट रिक्वायर्ड है, इसमें कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मटेरियल लेजर क्या है? मटेरियल लेजर जो है मटेरियल लेजर इज मैंडेटरी, ठीक है। मटेरियल लेजर एक अलग ही कंपोनेंट है इसमें, ठीक है। अगर आपको मटेरियल लेजर रिलेटेड अगर कोई वो चीज नॉलेज रखना है, या फिर मटेरियल लेजर में होता क्या है कि जो मटेरियल का इवेल्युएशन करते हैं उसका, ठीक है, उसका एक्चुअल कॉस्ट रन निकालते हैं, मटेरियल का भी इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, आप देखा होगा कि आपने इसमें, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है क्या है हाँ मल्टी, है ना, ML, मटेरियल इवेल्युएशन ऑफ करेंसी। सपोज डेट क्या है कि अगर मेरा कोई मटेरियल है उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अदर अदर कंट्रीज में जा रहा है, तो उनकी करेंसी के हिसाब से क्या होगा कि वो उनको वैल्यूएशन होगा,
इंडिया है, इंडिया में अगर कोई मटेरियल है उसकी करेंसी, मतलब सपोज डेट इंडिया है, INR है, तो अगर कोई मेरा मटेरियल है जो 1 रुपए का है तो वहां, या फिर 75 रुपए का है, तो US में क्या हो जाएगा, $1 का होगा। यानी मल्टीपल करेंसी में वैल्यूएशन करने के लिए होगा, ठीक है। तो उसमें ये सब चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक्चुअल कॉस्टिंग भी हम निकालते हैं मटेरियल लेजर का, जो कि S/4HANA में एक अलग ही डिफरेंट एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल होने की वजह से क्या है कि मटेरियल लेजर जो एक अलग ही मतलब मैंडेटरी है, इसे हमें एक्टिवेट भी करना होगा, रन भी करना होगा। यहाँ पे क्या है कि नॉट रिक्वायर, जहाँ पहले चलता था सेम उसी तरीके से अभी भी है, ठीक है। कोई एक अलग डिफरेंट मतलब वो नहीं दे दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा मटेरियल लेजर को ही एक अलग से कॉम्पोनेंट्स दे दिया गया है। क्या क्लियर है? हाँ उसी तरीके से होता है पैरेलल लेजर, ठीक पैलर लेजर क्या होता है? पैलर लेजर क्या होता है? यूज पैलर लेजर फॉर अ न्यू एसेट्स अकाउंटिंग। इसमें क्या है कि एसेट्स अकाउंटिंग आपने पढ़ा है S/4HANA में? नहीं, पहुंचे थे आप अभी लोग वहाँ? अभी अच्छा अच्छा कहाँ था, बीपी पे पहुंचा था, अच्छा अच्छा बीपी सेटअप करके बस रन किया था उसका पेमेंट का। अच्छा यूज पैरेलल लेजर फॉर एसेट्स अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे नॉट रिक्वायर, ठीक है। यहाँ पे अभी भी वैसा है, पहले की तरह से ही है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। पैरेलल लेजर होता क्या है? पैरेलल लेजर वन काइंड ऑफ पैरेलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब लेजर्स होते हैं, उनको पैरेलल लेजर करने के लिए होता है। अगर हमने एसेट्स है तो एसेट्स में ये यूज होता है। चलो हम आगे हम इसको देख लेंगे क्या है, ठीक है। कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट, ठीक है। कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट एलिमेंट क्या है? कॉस्ट एलिमेंट आर अ मर्ज्ड इन अ जीएल अकाउंटिंग S/4HANA। आपने देखा होगा कि S/4HANA में, ठीक है, जब भी हम कॉस्ट एलिमेंट बनाते हैं तो क्या होता था कि हम जीएल बनाते थे। जीएल बनाने के बाद एक डिफरेंट ही एक ऊपर में एक ऑप्शन आता था, वहां पे हम अलग से कॉस्ट एलिमेंट भी बनाते थे, याद है? हाँ हाँ हाँ, एडिट करते थे, एडिट दो करके वहां ऑप्शन पे हम आते थे, बना, दो ऑप्शन हाँ, होते थे, एक तो ठीक है। अब क्या मैन्युअली है, क्लिक करने का, एक ऑटोमेटिक का। हाँ ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट एलिमेंट आर मर्ज एज अ जी जीएल अकाउंट, ठीक है। हाँ जीएल अकाउंट इन S/4HANA लिख सकते, ठीक है। यानी अब क्या है कि जैसे ही हम जीएल अकाउंट बनाते हैं अपना, वहीं पे क्या होता है कि ऑप्शन आता है कॉस्ट एलिमेंट का, और वहीं से हम अपना वहां पे मर्ज कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ यानी कॉस्ट एलिमेंट और फिर जीएल अकाउंट, बोथ आर द सेम विंडो, ठीक है। बोथ आर इन अ सेम विंडो, वी कैन मैनेज ऑन द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ जीएल, ठीक है। यहाँ पे हमें अलग से कमांड देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले की तरह है, वन सेकेंड चार्जर लगा लेता हूँ। ठीक है, बोथ आर सेपरेट, ठीक है। बोथ आर सेपरेट, यानी आज भी अलग अलग सेपरेटेड हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जीएल अलग बनता है, और जीएल के साथ साथ क्या होता है कि ऑप्शन हमारा वहां पे कॉस्ट एलिमेंट भी अलग ही बनेगा, ठीक है। बीपी तो जानते ही होंगे, हाँ ठीक है। बिजनेस पार्टनर हाँ, यूज बिजनेस पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूज कस्टमर एंड वेंडर वेंडर मास्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि
अब क्या है, पहले क्या होता था कि अगर हमें कस्टमर और वेंडर क्रिएट करना होता था तो ईसीसी में कस्टमर का अलग से मास्टर डेटा था और वेंडर का अलग से मास्टर डेटा था, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट था, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन था, डिफरेंट डिफरेंट विंडोज था, वहाँ पे जाके हम करते थे। अब क्या हुआ है, यहाँ पे कस्टमर और वेंडर को दोनों को बीपी का मतलब एक दे दिया गया है, बीपी नाम दे दिया गया, बिजनेस पार्टनर की एक संज्ञा दे दी गई है, ठीक है। आइडेंटिफाई विद द ईयर जो है ना, एस फॉर हाना, कस्टमर एंड वेंडर बोथ आर आइडेंटिफाई विद द बिजनेस पार्टनर, ठीक है। एक सेम विंडो बिजनेस पार्टनर से ही दोनों के दोनों लोग क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, हाँ मटेरियल नंबर इंक्रीज 40 करेक्टर, ठीक है। ठीक इसका है, मतलब हो गया इंक्रीज ऑफ 40 करेक्टर, मटेरियल नंबर हैव बीन इंक्रीज। अब क्या था पहले कि मटेरियल जो होते थे, अब उन पहले जो ईसीसी में था ये रिक्वायर नहीं था कह लो, या फिर आप ये कह सकते हैं नॉट इन यूज, ठीक है। अब जो है मटेरियल को नंबर को इंक्रीज कर दिया गया है, वो लगभग 40 करेक्टर तक का दे दिया गया है। अब कोई भी मटेरियल अगर यूज होता है तो उसमें क्या है कि हम उस मटेरियल का जो नंबर है 40 करेक्टर तक का हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक मटेरियल नंबर हैव बीन इंक्रीज लाइक अ 40 करेक्टर, ठीक है। ठीक है, अब इसमें है माइग्रेशन कॉकपिट, माइग्रेशन कॉकपिट के बारे में जानते होगे आप, नहीं हाँ? कॉकपिट का तो नाम सुना, माइग्रेशन कॉकपिट। यस, आह एक सेकेंड, LTMC, ठीक है। इसमें क्या होता है माइग्रेशन, डेट मीन जैसे आप बोले थे ना कि मेरे को माइग्रेशन सीखना है, ठीक है। तो माइग्रेशन में क्या होता है कि ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम, सिंपल अगर वर्ड में कहें तो, हाँ ठीक है। कहीं अगर ईसीसी यूज हो रहा है उसको मेरे को लेकर के आना है एस पर हाना में आना है, या फिर कहीं टेली यूज हो रहा है उसको लेकर के आना है मेरे को SAP में लेना है, तो वन काइंड ऑफ अ माइग्रेशन। तो पहले क्या होता था यहाँ पे ईसीसी की अगर हम बात करें तो ओल्ड वाला पहले वाला यूज होता था जिसे हम कहते थे LSMW, हाँ ठीक। LSMW हो गया, BDC हो गया, ठीक है, BDC हो गया, बीडीसी का तो मेरे को पता है, मैंने हाँ। किया है तो एक कि LSMW हो गया, BDC हो गया, तो LSMW का पूरा आइडिया है आपको? हाँ उसके अंदर 14 स्टेप्स होते हैं हाँ, 14 स्टेप होते हैं तो वन बाई वन करते जिसमें रहते से हैं, कुछ के बाद से। हाँ। तो ठीक है, तो अब वो क्या होता था ईसीसी में यूज होता था, लेकिन अब अगर हम एस फॉर आना की बात करें तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे LTMC होता है यूज, ठीक है। अच्छा LTMC यूज होता है जिसे हम माइग्रेशन कॉकपिट भी कहते हैं। यहाँ पे ठीक है, LSMW और BDC की जरूरत नहीं है, यहाँ पे LTMC के थ्रू हम क्या करते हैं माइग्रेशन करते हैं। इन केस अगर मेरे को ECC से मुझे आना है एस फॉर हाना में, या फिर अदर ओरेकल, हमारे अदर ERP सिस्टम है जैसे कि ओरेकल हो सकता है, टेली हो सकता है, पीपलसॉफ्ट हो सकता है, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ERPs, ठीक है। तो वहां से इफ यू वांट टू मूव ओल्ड टू एस फॉर हाना तो हियर यू हैव टू यू नीड टू यूज अ LTMC, ठीक है। LTMC ये नया माइग्रेशन कॉकपिट है, इसके थ्रू क्या होगा कि आपको मूव होना पड़ेगा। जो आप बोल रहे थे ना कि मेरे को माइग्रेशन सीखना है, तो आपको यहाँ पे LTMC सीखना है। अब ये समझ लो, पहले क्या था LSMW था, BDC था, अब हाँ दोनों हट करके यहाँ पे अब हो गया है LTMC। और LTMC क्या हो गया है कि पहले क्या था, आपने देखा होगा LSMW हम SAP इसमें जा करके सर्वर के अंदर जा करके हम करते थे। हाँ LTMC क्या है कि अब ये भी जैसे फ्यूरी है उसी तरीके से LTMC भी हो गया, ये भी वेब पोर्टल के थ्रू है, वहां से भी हम वेब पोर्टल पे क्लिक करेंगे, वेब ब्राउजर पे लेकर के जाएगा, वहां से रिडायरेक्ट होकर के, ठीक है, वहां से हम कर, जैसे फ्यूरी है ना वेब पोर्टल, समझ लो सेम हाँ टू सेम वैसे ही LTMC भी यूज होता है। इसका भी आपको एक्सेस अलग से लेना पड़ता है। पहले क्या होता था कि जब हम लेते थे ये क्या नाम है सर्वर लेते थे, तो उसी सर्वर में LSMW एक टी कोड था, पुट करो और डायरेक्ट अपना काम करना शुरू कर दो। हाँ
अभी क्या है S/4HANA में कि आप जिस तरीके से फ्यूरी का आप एक्सेस लेते हो, उसी तरीके से आपको LTMC का भी एक्सेस आपको लेना होगा। ठीक है। ठीक है, मैंने इसके लिए बात भी किया है, लेकिन ज्यादातर लोग जो भी जो सेल कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि LTMC का भी भाई मुझे चाहिए और उसका अलग से आता है। ठीक है, अच्छा तो लगे हुए हैं उसी पे। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LTMC जो होता है वो माइग्रेशन कॉकपिट होता है, माइग्रेशन करने के लिए यूज होता है यहाँ पे, और पहले क्या होता था LSMW यूज होता था। क्लियर है हाँ यहाँ तक? हाँ ठीक है, उसके बाद पैरलराइजेशन मैंने बता दिया है क्या? बता। पैरलराइजेशन एक ये होगा, मल्टी जैसे डेट मीन्स हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल एक्टिविटीज कैन बी डन इन अ सेम टाइम। ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटी से मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज का मतलब हो सकता है कि हम एक ही बार में कई तरह के जॉब रन्स होता था। ठीक है, जॉब रन्स के बारे में आप जानते हो, जॉब रन हम क्यों करते हैं या बैकग्राउंड प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? नहीं। एक सेकंड में बताता हूँ। कैन बी डन एट सेम टाइम, जॉब रन में क्या होता था कि जॉब रन में होता था जैसे कि जॉब रन हम इसलिए करते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग इसलिए करते हैं कि जब भी हम ECC में जॉब रन करते हैं तो क्या होता है कि ECC के सर्वर पे काफ़ी तेज लोड पड़ता है। लोड पड़ने की वजह से क्या होता है कि आपका तो सिस्टम हैंग होगा ही होगा, बाकी जो अदर कलीग्स हैं जो बैठे हुए हैं सबका हैंग हो जाता है। ठीक है, सबका सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, सारा सिस्टम स्लो होने लगता है। लेकिन पैरेललाइजेशन S/4HANA में क्या है कि मल्टीपल एक्टिविटीज कैन बी डन एट अ सेम टाइम, दैट मींस अगर आप जॉब रन कर रहे हो कर सकते हो, साथ ही साथ अगर कोई और भी, ठीक है, कोई और भी चीज अगर परफॉर्म कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। उस समय क्या होता था कि अगर आप जॉब रन का अगर वो कर रहे हो, ठीक है, कोई मतलब जॉब रन आपने परफॉर्म किया है तो एक बार में एक ही कर सकते थे, जैसे ही करते थे तो अदर जो विंडो होते थे, अदर सेशन जो होते थे वो हैंग हो जाते थे। आपका तो हैंग होता ही था, पर साथ ही साथ आपके जो कलीग्स हैं जो लोग उस सर्वर से कनेक्टेड हैं सब पे इम्पैक्ट पड़ता था, सारा का सारा सिस्टम स्लो हो जाता था। इसलिए हम अच्छा बैकग्राउंड प्रोसेसिंग से लेकर के हर चीज करते थे। अभी S/4HANA में एक नया फीचर आया है कि मल्टीपल एक्टिविटीज कैन बी डन एट द सेम टाइम, अगर आप जॉब रन कर रहे हो तो जॉब रन भी कर सकते हो, साथ ही साथ अदर विंडो में 6 सेशन होते हैं, 6 सेशन पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस पे। ठीक है, ठीक है। ठीक, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नॉट पॉसिबल है ये तो अभी भी। ECC की हम बात करें तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, अभी सेम चल रहा है, पहले की ही तरह से चल रहा है। ठीक है, और तो लगभग सब हो ही गया, देख लूँ मैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए। हाँ डेटा एजिंग, डेटा एजिंग डेटा एजिंग क्या है? डेटा एजिंग है, आप यूं समझिए कि S/4HANA में, ठीक है, S/4HANA में कोई भी चीज सेव होता है तो सबसे पहले क्या होता है, रैम में सेव होता है। ठीक है, रैम में सेव हो करके तब ये क्या होता है, हार्ड डिस्क में जाता है, रैम टू हार्ड डिस्क। यहाँ जो भी डेटा सेव होता है वो रैम में सेव होता है, उसके बाद ये हार्ड डिस्क में जाता है। तो डेटा एजिंग का मतलब हो गया मूव, इसके पास एक फैसिलिटीज होती है, फैसिलिटी होती है S/4HANA में कि ओ क्या बोलते हैं इसे, ये इसे बोलते हैं हम मेमोरी, क्या बोलते हैं इसे, एक वन सेकेंड हो, सोचने दीजिए मुझे। मेमोरी सेव इन, उसे बोलते हैं कि कूल डेटा इन अ हॉट डेटा, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, यानी पहले रैम से रैम में पहले सेव होगा, देन उसके बाद वो मूव हो करके हार्ड डिस्क में चला जाएगा। ठीक है, कि मूविंग द डेटा रैम टू हार्ड डिस्क, इट्स कॉल्ड डाटा एजिंग। ठीक है, यहाँ पे एक फैसिलिटीज होती है कि जो भी चीज आप इसमें सेव करोगे सबसे पहले वो रैम में सेव होगी। रैम में सेव होने की वजह से क्या होता है कि इसकी
ठीक है, नॉट अवेलेबल या फिर नॉट पॉसिबल। पहले क्या होगा, रैम में सेव होगा, रैम में सेव होने के बाद हार्ड डिस्क में मूव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एस पर हाना की स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, एस पर हाना की स्पीड अच्छी होती है, और इसमें क्या होता है, ये डाटा एजिंग की सर्विसेज नहीं, डाटा एजिंग इन द सेंस ऑफ आप कह सकते हो कि इसमें एक तरह की फैसिलिटीज होती है, जो कि डेटा मतलब डेटा एक जगह से सेव होकर के दूसरे जगह पे चला जाता है, यानी हम इसे कह सकते हैं डेटा मूविंग द डेटा फ्रॉम अ रैम, जिसे हम कहते हैं हॉट एरिया, टू HDD, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड एरिया। ठीक है, इस कॉल्ड डेटा एजिंग, जो भी सारा चीज होगा हमारा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एस फॉर हाना और ECC में डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। हाँ इतना बहुत है, फिर से एक बार आप देख लो क्या है ये तो लिख रहा। क्लाउड एंड प्राइमिसेस, क्लाउड एंड प्राइमिसेस का मतलब हो क्या है, एस पर हाना कैन बी आइदर ऑन अ क्लाउड ऑन प्राइमिसेस, यानी एस पर हाना के पास एक ऐसा फीचर्स है जो कि हम क्लाउड पे भी रन कर सकते हैं और प्राइमिसेस पे भी रन कर सकते हैं। क्लाउड इन द सेंस ऑफ जो कि मैंने आपको बताया, जैसे फ्यूरी है वेब ब्राउजर या वेब पोर्टल के थ्रू जो यूज होता है। ठीक है, और जबकि ECC में ये अभी अवेलेबल नहीं है। क्लाउड में होने की वजह से क्या होता है कि क्लाउड में अगर हम लेते हैं तो ये होता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं, स्पेसेस कम लगते हैं, जगह भी कम लगते हैं, कम खर्चे में हो जाते हैं, एरर भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, एरर भी, हाँ एरर भी बहुत कम आते हैं। प्राइमेसिस की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, खर्चे आपके ज़्यादा होने लगते हैं, इसलिए होने लगते हैं क्योंकि आपके ऊपर ही सब कुछ रहेगा, आप ही को मेंटेनेंस करवाना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो जिसकी हाँ वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगे, तो ये सब होता था। S/4HANA में क्या था, क्लाउड ऑन प्राइमिसेस होता है, और ECC में ऐसा अभी नहीं है। डेटाबेस की अगर मैं बात करूँ तो S/4HANA केवल जो है, ठीक है, हाना हाँ डेटाबेस रीड करता है, और ECC जो है मल्टीपल डेटाबेस कैन बी रन, ठीक है, वन टाइम। ठीक है, ओरेकल भी कर लेता है, DB कर लेता है, ठीक है, और भी बहुत सारे चीजें वो सबको कर लेता है। ठीक है, S/4HANA में एक नया फीचर मिलता है जिसे हम कहते हैं फ्यूरी। फ्यूरी जो है एक वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल के थ्रू आप जहाँ चाहें वहां से, आप बस में, ट्रेन में, कहीं भी सफर में, मोबाइल में, मोबाइल से लेकर के, टैबलेट से लेकर के, ठीक है, कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, बस आपको उसका एक्सेस होना चाहिए। यानी कंपनी, अब कहने का मतलब है आप कंपनी में काम करो, कंपनी आपको एक्सेस देगी, तभी तो कर पाओगे आप वो। ठीक है, ECC में ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम बेस की अगर मैं बात करूं तो S/4HANA में जो भी डेटा सेव होता है वो कॉलम बेसिस में होता है, यानी इस तरीके से होता है, ये खड़े खड़े में। ठीक है, ये इस तरीके से स्टोर करेगा। और ECC की अगर मैं बात करूं तो ECC में क्या होता है, ये रो बेस होता है, यानी ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है। कॉलम बेस का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज डेट, एक आप देख लो कि होता क्या है। सपोज आपका नेम है मनोज, मनोज हाँ वो तो है मनोज। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो, देहरादून ना सर, देहरादून। ठीक है, रहने वाले आप देहरादून के हो। ठीक है, और एजुकेशन आपकी क्या है, BCom। हाँ ठीक है, काम करते हो जनपैक में। ठीक है, जनपैक में कहाँ, नोएडा। नोएडा नोएडा में, ठीक है, ये हो गया और ऐसे हो गया। ठीक है, अब S/4HANA अगर इस डेटाबेस को, अगर ये सेव, ECC पहले जब सेव करता था, ECC देख लेते, तो कैसे ECC में अगर ये डेटा अगर सेव होगा तो ऐसे होगा, कॉमा, ठीक है, कॉमा, BCom, कॉमा, कॉमा, नोएडा। ठीक है, ये क्या है, रो में हो रहा है, ये किस में होता था, ECC में होता था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, क्या नाम है, S/4HANA में, तो इस तरीके से होगा मनोज, फिर एक कॉमा लग जाएगा, फिर नीचे आ जाओगे आप देहरादून। ठीक है, मतलब इस वे में होगा ये। ठीक है, बी समझ कॉम, ये कॉलम बेस में हो गया, ये कॉलम बेस में हो गया, ये रो बेस में हो गया। ठीक है, तो ये ठीक। हो गया, कहाँ गया, कॉलम बेस और ये रो बेस। अब क्या होता था, एज, हाँ पहले क्या होता था, ECC में बहुत सारे टेबल होते थे, जैसे फैगल फ्लैक्स हो गया, ठीक है, इन कुछ जो टेबल होते थे, फैगल फ्लैक्स हो गया, GLTO हो गया, KNA3, LFC3, ये जो सारे टेबल हैं, या फिर इंडेक्स टेबल होते थे, ठीक है,
तो उसमें क्या होता था, वो सारे के सारे टेबल जो है कि अब मर्ज हो चुके हैं, अब मर्ज हो करके आ गए हैं एसी डोका टेबल। ठीक है, पहले समरी टेबल, इंडेक्स टेबल, हिस्टोरिकल टेबल और ये सब बहुत सारे टेबल थे। जैसे उसमें आपने नाम लिया था बी एस आई एस, बी से बी एस ए एस, बी एस ए डी, ये सारे सारे के टेबल जो है उसमें अभी भी हैं। इसमें कुछ टेबल हैं जो कर रहे हैं, पहले वाले काम करते हैं, लेकिन एसी डोका से भी वो सारे की सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। ठीक पहले है। क्या होता था कि हमें बहुत सारे टेबल को रटना पड़ता था, बहुत सारे टेबल। अब क्या है कि ज्यादातर काम जो होता है हमारा एसी डोका टेबल है, एसी डोका टेबल से सारा का सारा काम हो जाता है। पहले क्या अच्छा होता था कि एसी डोका टेबल जो होता था कि ईसीसी के लिए जब हम होते थे तो क्या होता था कि हमें वेंडर के लिए अलग टेबल होता था, कस्टमर के लिए अलग टेबल होता था, असिस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग होता था। अब क्या है कि ट्रांजेक्शन डेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन डेटा आपको देखना हो सबके लिए पहले अलग अलग होता था। अब क्या है, ट्रांजेक्शन डेटा देखने के लिए आपको एसी डोका पुट करो, चाहे वो एआर हो, चाहे एपी हो, चाहे एएम हो, चाहे फिर आपका असिस्ट मैनेजमेंट हो या फिर कंट्रोलिंग हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा डेटा जो वो ट्रांजेक्शनल डेटा आप जो है एसी डोका टेबल से आप देख सकते हो। क्लियर है? हाँ इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात करें या फिर मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें, तो मटेरियल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया ही है कि एक तरह से एक अलग ही कंपोनेंट्स हो गया है, एक अलग ही मॉड्यूल है। ये आपको स्पेसिफिक जा करके आपको कंट्रोलिंग एरिया में जा करके आपको यहाँ पे टिक करके ऑन करना होता है। पहले क्या होता था कि ऑलरेडी टिक रहता था, छोटा सा एक पार्ट था, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कर दिया गया, अब सबको एक में कर दिया गया है। इसके वजह से क्या है कि एमएटी डीओसी एक टेबल है जो कि लगभग लगभग 26 टेबल थे पहले के, सबको मर्ज करके एक में कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ अभी भी रिक्वायर नहीं है, अभी भी पहले वाला चलता है। मटेरियल लेजर क्या है, मटेरियल लेजर इज अ मैंडेटरी है एस फॉर हाना में, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं था, एक्टिवेट करना मैंडेटरी है एस फॉर हाना में, और ईसीसी में कोई मतलब मैंडेटरी नहीं था। ठीक अच्छा है, पैरेलल लेजर, यूज अ पैरेलल लेजर फॉर एसेट्स मैनेजमेंट, एसेट्स मैनेजमेंट के लिए अभी भी यहाँ पे पैरेलल लेजर यूज होता है, इसमें अभी रिक्वायर नहीं है। कॉस्ट एलिमेंट की बात करें तो अब क्या था, पहले कॉस्ट एलिमेंट और जीएल वो था सेपरेट था, जीएल हम पहले बनाते थे, फिर वहीं पे एक ऑप्शन था यू विल गेट ऑप्शन टू क्रिएट अ कॉस्ट एलिमेंट। ठीक है, आप कॉस्ट एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं कि बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, वी नीड टू गो विद द बोथ। ठीक है, अब क्या है कि बोथ एक्टिविटीज आइदर जीएल और कॉस्ट एलिमेंट बोथ आर सेम, मतलब इन द सेम विंडो, वी कैन से बोथ आर सेपरेट। ठीक है ना, सॉरी नॉट नॉट अ सेपरेट, दे आर मर्ज ईच अदर, यानी एक ही विंडो में एफ एस एक डबल में। जीरो पे जहाँ जीएल क्रिएट करते हैं वहीं पे कॉस्ट एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बीपी, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर इन द सेंस ऑफ, पहले क्या था कि कस्टमर और वेंडर जो थे वो अलग अलग एक एंटिटी थी, अलग अलग उनकी एंटिटी होने की वजह से अलग अलग उनके मास्टर डेटा होते थे, अलग अलग सेटिंग्स होती थी। अब क्या होता था, अलग अलग विंडो पे क्रिएट होते थे। पहले जो होता था वो वेंडर और कस्टमर, जो वेंडर की अगर हम बात करें तो एफ के 01 से क्रिएट होता था, और कस्टमर जो होता था एफ डी 01 से। अब क्या हो गया है, बोथ आर सेम हो गए हैं, अब क्या है वो बीपी से हो जाते हैं, वहीं बीपी से ये भी कनेक्ट हो जाएंगे, कस्टमर भी हो जाएंगे और वेंडर भी हो जाएंगे। ठीक है, मटेरियल नंबर जो है अब इंक्रीज होकर के 40 करेक्टर्स का आ चुका है, पहले इतने नहीं थे, अब कि मटेरियल नंबर 40 करेक्टर तक आ चुके हैं। माइग्रेशन कॉकपिट, पहले माइग्रेशन जो होता था यानी माइग्रेट जो हम करते थे तो LSMW BDC यूज होते थे, तब नया वर्जन आया S/4HANA में जिसे हम कहते हैं LTMC, जबकि ये पहले से ईजी है अब LTMC। ठीक है, पहले तो LSMW में 13-14 स्टेप हुआ करते थे, वन बाय वन यू हैव टू डू एंड वी हैव टू डू ऑल द स्टेप इज। ठीक है, कहीं भी अगर कहीं भी कुछ गलत होता था तो सारा का सारा गलत हो जाता था। ठीक है, पहले से काफी इजी हो गया है ये। पैरेललाइजेशन यानी डेट मींस मल्टीपल एक्टिविटीज कैन बी डन एट अ सेम टाइम, डेट मींस हम कह सकते हैं कि एक ही बार में कई जॉब रन है हम रन कर सकते हैं, या फिर जॉब रन कर रहे हैं तो उसके साथ में और भी एक्टिविटीज कर सकते थे। पहले ऐसा नहीं था, पहले जब हम करते थे तो क्या होता था कि हैंग हो जाता था। ठीक है, डेटा एजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अगर हम कहें कि कोई भी डेटा इसमें अगर सेव होता है तो पहले रैम में सेव होता है, और रैम में सेव होने की वजह से क्या होता है कि इसके S/4HANA में स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रैम में सेव होता है। ठीक है, लेकिन इसके पास डेटा एजिंग की फैसिलिटी है, जो डेटा एजिंग जो मूव होता है और रैम से होकर के फिर बाद में अपना हार्ड डिस्क में मूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसमें अभी तक का किसी भी तरह का ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लगभग लगभग डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स हो गया, क्या हो गया ये आपका
SAP इंट्रोडक्शन हो ही गया लगभग लगभग, ठीक। कैसे हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, आप स्टेटस कब देखते हो, कैसे आप पता लगाओगे कि आपको कैसे वो हुआ, S/4HANA कब आया, ठीक है, वो सब हो गया। हाना फीचर्स की अगर हम बात करें तो हाना फीचर्स, इसी में हाना फीचर्स भी अवेलेबल है। यही सारे हैं फीचर जो डिफरेंट मैंने बताए, यही तो फीचर्स हैं, ठीक है। हाँ फ्यूरी ओवरव्यू ये अभी देख लेते हैं, ठीक है। सैप एक्टिवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सैप कंट्रोलिंग बेसिक सेटअप, यहाँ तक आपका थ्योरी था, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से हम अपना सिस्टम पे काम करेंगे। तो अभी एक काम करते हैं कि थोड़ा सा फ्यूरी देख लेते हैं। फ्यूरी क्या होता है? फ्यूरी एक तरह से कहा जाए तो वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल फ्यूरी का मतलब कह सकते हैं कि फ्यूरी जो होता है वो वेब पोर्टल यानी वेब के थ्रू, जैसे गूगल होता है HTTP करके, हाँ ठीक है, वहां से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। देखता हूँ मेरे पास शायद फ्यूरी का एक्सेस है क्या। अभी एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आपका ले नहीं पाया हूँ सर्वर, वो तुरंत मिल जाएगा।